भजन संहिता अध्याय 102 भजन संहिता अध्याय 102 हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय पूर्ति से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं की नाई उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई है, मेरा मन झुलसी हुई घास की नाई सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूं, करहते करहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है, मैं जंगल के घनेश के समान हो गया हूं, मैं उजड़े स्थानों में उल्लू के समान बन गया हूं, मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूं और गौरे के समान हो गया हूं जो छत के ऊपर अकेला बैठता है, मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं, जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं वह मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं, क्योंकि मैंने रोटी की नाई राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूं, यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूं, परंतु तू हे यहोवा सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा, तू उठकर सियोन पर दया करेगा क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है, क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूली पर तरस खाते हैं, इसलिए अन्य जातियां यहोवा के नाम का भय मानेंगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रकोप से डरेंगे, क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यह की स्तुति करेगी, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है ताकि बंधुओं का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधनों को खोले, और सियोन में परमेश्वर के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठे होंगे, उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया, मैंने कहा हे मेरे परमेश्वर मुझे आधी आयु में न उठा ले, तेरे वश पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है, वह तो नाश होगा परंतु तू बना रहेगा और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, तू उस वस्त्र की नाई बदलेगा और वह तो बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का, तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा।